दोस्तों चलिए कंपेयर करते हैं होंडा एक्टिवा 6G और होंडा डियो। इंजन कैपेसिटी देखिए तो दोनों पर आता है एक 110cc का इंजन। मैक्सिमम पावर आप देख सकते हैं होंडा एक्टिवा 6G पर 7.84 PS का पावर है, तो होंडा डियो पर 7.85 PS का पावर है। मगर आप देख सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क एक्टिवा 6G पर 8.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया है, वही होंडा डियो पर 9.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क अवेलेबल है। टॉप स्पीड देखे तो एक्टिवा 6G का 85 km/h तक जा सकता है, वही होंडा डियो अराउंड 83 km/h तक ही जा सकता है। दोनों का माइलेज कंपेयर करते हैं तो एक्टिवा 6G का जो माइलेज है 50 to 55 km/h आता है, वही ज्यादा टॉर्क की वाला होंडा डियो का जो माइलेज है ऑन एन एवरेज अबव 50 km/h ऑन रोड पर मिलेगा। ये दोनों स्कूटर का मेन कंपैरिजन आता है वेट पर। जी हाँ, एक्टिवा 6G का वेट है 105 kg है, वही होंडा डियो थोड़ा लाइट वेट है अराउंड 103 kg ही इसका कब वेट आता है। अगला मेन डिफरेंस आता है सीट हाइट पर। जी हाँ, एक्टिवा 6G का अराउंड 692 mm का सीट हाइट है, होंडा डियो पर 650 mm का सीट हाइट दिया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है एक्टिवा 6G पर, वही 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ही है होंडा डियो पर। दोस्तों अगला मेन डिफरेंस आता है प्राइस पर। एक्टिवा 6G का जो प्राइस है 75,000 से स्टार्ट होकर 81,000 से ऊपर जाता है एक्टिवा 6G का जो प्राइस, मगर होंडा डियो आपको 68,000 से स्टार्ट होकर 77,000 से भी ज्यादा एक्सशोरूम प्राइस पर आपको होंडा डियो मिलेगा। वैसे बिल्ड क्वालिटी आप देख सकते हैं होंडा डियो पर ज्यादा फाइबर प्लास्टिक अवेलेबल है इन कंपैरिजन विद एक्टिवा 6G जिस पर ज्यादा मेटल पार्ट्स अवेलेबल है। एक्टिवा 6G पर जहां पर फ्लोर है उस पर ज्यादा लगेज स्पेस अवेलेबल है इन कंपैरिजन विद होंडा डियो। दोनों का जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.3 लीटर है। दोनों पर जो अंडरसीट स्टोरेज है 18 लीटर है। दोनों का जो फ्रंट ब्रेक है ड्रम ब्रेक, रियर ब्रेक भी ड्रम ब्रेक है। दोनों पर कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम अवेलेबल है। दोनों के इस पर जो व्हील बेस है 1260 mm का है। तो दोस्तों इतना सिमिलरिटीज भी आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अंडूस में चैनल। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।